देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 12 लोगों के इस घातक वायरस से जान चली गई है। वहीं नए मामले सामने आने के बाद देश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35,199 हो गई है। आपको बता दें, इससे पहले रविवार को जारी रिपोर्ट में रोजाना का आंकड़ा 5,357 था। ऐसे में देखा जाए तो 523 केस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर सभी राज्य टेस्ट और ट्रैकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 6.91% हो गया है, यानी कि हर 10 टेस्ट में से करीब 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.67% हो गया है। कोरोना के 5,880 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,47,62,496 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 35,199 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में 4-4 मरीजों की जान चलेगी, जबकि गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक एक मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,979 हो गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना से हाल बेहाल है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना के 24 घंटे में 700 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2,500 हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,305 टेस्ट हुए हैं। इनमें से 699 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि पॉजिटिविटी रेट 21.15% पर पहुंच गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 788 दर्ज किए गए हैं, जबकि एक मरीज की जान चली गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 4,587 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 211 मामले मुंबई में दर्ज किए गए हैं। यहां मरीजों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 137 नए मामले सामने आए। इस दौरान 4 मरीजों की जान चली गई है। यहां अब सक्रिय मरीजों की बात करें तो हिमाचल में कोरोना के 1,764 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रविवार को शिमला में वायरस से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि सिरमौर में 1 व्यक्ति की जान गई है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 165 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान एक मरीज की जान चली गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक दौसा में 1 व्यक्ति की कोरोना वायरस से जान चली गई है। इससे राज्य में मृतकों का आंकड़ा 9,667 हो गया है। राजस्थान में 651 कोरोना के सक्रिय मामले हैं और 9 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।